Hello and good morning children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, today I will explain you and continue with the chapter number 5 on your workbook. So open your page number 67. पेज नंबर 67 में स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 6, 7 हमने कंप्लीट किया था. आज हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और अदर क्वेश्चंस देखेंगे. सो ओपन योर पेज नंबर 67. सी द क्वेश्चन नंबर 8. ड्रो द साइड्स व्यू एंड फ्रंट व्यू ऑफ द शूज एज शोवन बिलो. बिलो मीन्स नीचे आपको स्टूडेंट्स शूज के पिक्चर्स दिए हैं साइड व्यू में और फ्रंट व्यू में. आपको टॉप व्यू दिया है, आपको ड्रो करना है साइड व्यू. ड्रो द साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू. तो ये जो शूज का जो पिक्चर दिया है वो हमें टॉप व्यू में दिया है. ओके, तो टॉप व्यू में दिया है तो अब ये साइड व्यू में हमें ड्रो करना है. तो साइड व्यू में हम किस तरीके से ड्रो करेंगे स्टूडेंट्स? टॉप व्यू में देखोगे तो आपको इस तरीके से पार्ट्स नजर आएगा. ओके, अब साइड्स में से देखोगे यहाँ पे खड़े देखे तो हमें सिर्फ ये पार्ट्स नजर आएगा. ठीक है, साइड्स वाला पार्ट्स दिखेगा. सी आपको ड्रॉ करना है साइड व्यू में इस तरीके से. एंड फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू मीन्स स्टूडेंट सामने. तो सामने खड़े होके आप व्यू करोगे, उसे देखोगे तो ये सीधा नजर आएगा. ठीक है, इस तरीके से दिखेगा. ओके, तो आपको इस तरीके से ये ड्रॉ करना है आपकी वर्क बुक में. सी क्वेश्चन नंबर 9. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो. आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. पिक्चर्स दिया है यहाँ पे. सी हियर आर गिवन सम पिक्चर्स एंड आपको नीचे क्वेश्चंस दिए. उस क्वेश्चंस के आंसर आपको इस पिक्चर्स में से फाइंड आउट करना है. ओके, सी ए पॉइंट ए इज एंटर. पॉइंट ए इज एंटर द दिस वन एंड डी इज हियर एंड सी. लेफ्ट साइड सी दिया है, उधर गप्पूस का हाउस दिया है आपको. ओके, एंड स्वीट शॉप दिया है. ए इज द नियरेस्ट ऑफ द स्वीट शॉप. ठीक है, जो ए है गेट ए है, आपको 4 गेट दिए. ए बी सी डी. ओके, 4 गेट्स दिए आपको. अब यहाँ पे जो ए गेट है वो स्वीट शॉप के नियरेस्ट है. ओके, और जो डी वाला गेट्स है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, शॉप्स दिए यहाँ पे, ये हाउस का एंटर गेट दिया है, यहाँ से भी एंटर कर सकते हो. फिर गप्पूस का जो हाउस है उसके पास में ही सी वाला गेट दिया है. ओके, फिर जो बी वाला गेट है वो नीचे बॉटम में है, सबसे नीचे है. ओके, और डी गेट है वो टॉप में है. सी द क्वेश्चंस. 1. विच गेट इज नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप. यानी स्वीट शॉप के नियरेस्ट मीन्स पास में कौन सा वाला गेट है. विच मीन्स कौन सा. ठीक है, तो स्वीट शॉप के नियरेस्ट में कौन सा गेट है स्टूडेंट्स? गेट ए. सो वी राइट हियर गेट ए. ओके, टर्न योर पेज नंबर 68. विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पू हाउस. अब गप्पू के हाउस में स्टूडेंट्स कौन सा गेट नियरेस्ट है, मीन्स पास में कौन सा वाला गेट है. गप्पू का जो हाउस है वहाँ पे नियरेस्ट गेट कौन सा है. तो गप्पू का हाउस हम यहाँ पे देखते हैं पिक्चर्स में, तो गेट नंबर सी. गप्पू के हाउस के पास में गेट नंबर सी नियरेस्ट. सो वी राइट हियर गेट नंबर सी. 3. विच सुहासिनी एंटर द पार्क. वेन सुहासिनी एंटर द पार्क. जब सुहासिनी पार्क में एंटर होती है, द फ्लावर बेड वॉज टू हर राइट. फ्रॉम विच गेट डिड सी एंटर. तो फ्लावर गेट कौन से गेट से एंटर हो रहा है. ठीक है, तो ये फ्लावर गेट कहाँ पे हमारा, ये रहा, यहाँ पे फ्लावर गेट्स बने हुए हैं. ठीक है, गेट नंबर डी के पास फ्लावर गेट बना हुआ है. ठीक है, फूलों वाला गेट्स बना हुआ है. तो सुहासिनी जब पार्क में एंटर करती है तो वहाँ पे फ्लावर बेड वाला जो गेट है वो किस कौन से गेट में से एंटर करेगी सुहासिनी, तो गेट नंबर डी. ओके, 4. टू विच साइड्स ऑफ योर्स विल द बेंच बी इफ यू एंटर फ्रॉम गेट बी.
कौन सी साइड से बेंच बी जो है आपके आपके पास में जो बेंच बी है वो कौन से गेट से एंटर हो रहा है? तो बेंच बी, तो बेंच वाला यहाँ पे कौन सा है स्टूडेंट्स? बेंच वाला यहाँ पे है बी नंबर, सॉरी लेफ्ट है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड्स में ए से बेंच वाला गेट, ठीक है। तो बेंच वाला ए जो है वो लेफ्ट साइड से एंटर हो रहा है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट लिखेंगे ए। फिर विच ऑफ दिस इज नियरेस्ट टू यू, तुम्हारे पास में कौन सा नियरेस्ट है? इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट सी, अगर तुम गेट सी से एंटर करोगे तो तुम्हारे पास वाला गेट कौन सा नियरेस्ट होगा? बास्केटबॉल कोर्ट, बी फ्लावर बेड है, सी बेंच है, डी सी साव है। तो क्या है, अगर फ्लावर आप गेट सी से एंटर करोगे तो गेट सी के नियरेस्ट कौन सा है? तो गेट सी के नियरेस्ट क्या है स्टूडेंट्स? सी साव है। क्या है? सी साव। सी साव क्या होता है स्टूडेंट्स? गेट सी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सी साव क्या होता है? एक चूल्हे टाइप्स का होता है स्टूडेंट्स। आप पार्क में जाओगे तो दोनों साइड्स उसके एक साइड्स में एक पर्सन बैठा होता है, दूसरे साइड में दूसरा पर्सन बैठा होता है, तो वो नीचे ऊपर अप एंड डाउन होता है। सी साव एक झूले की टाइप होता है जिसके आप ऊपर अप एंड डाउन करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बी आएगा सी साव। तो यानी आपको पूछा है इस क्वेश्चन में कि गेट नंबर सी के पास में क्या है, तो गेट नंबर सी के पास में डी सी साव है, ठीक है। सिक्स नंबर, टू विच साइड्स ऑफ योर विल द स्वीट शॉप बी, आपकी साइड शॉप स्वीट शॉप में तुम्हारे साइड में जो स्वीट शॉप है, इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट ए, अगर आप गेट ए में एंटर करते हो तो स्वीट शॉप कौन सी साइड्स में आता है? लेफ्ट में आता है या राइट में आता है या फ्रंट में आता है? यदि आप गेट ए से एंटर करते हो तो स्वीट शॉप आपकी कौन से साइड्स में आएगा? तो गेट ए आप इस पिक्चर्स में देखोगे, गेट ए कहाँ पे है स्टूडेंट्स? राइट साइड्स में, ठीक है। ये हमारा राइट साइड है और गेट ए कहाँ पे है? राइट साइड्स में। और स्वीट शॉप भी कहाँ पे है? राइट साइड्स में, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट। सेवन, विच ऑफ दिस इज नियरेस्ट टू यू, आपके नियरेस्ट में क्या होगा? इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट डी, अगर आप गेट डी से एंटर करोगे तो आपके नियरेस्ट में क्या होगा? तो हम गेट डी में देखते हैं, गेट डी के नियरेस्ट क्या है? गेट डी के नियरेस्ट क्या है? फ्लावर बेड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लावर बेड, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 में ओमिट करा रहे स्टूडेंट्स, ओके। हियर इज ओमिट, हियर दिस वन, क्वेश्चन नंबर 10 ओमिट कर दो। सी क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो, आपको आंसर देने हैं, आपको ये पिक्चर्स दिए उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे गए उसके आंसर देने। द नंबर ऑन द अपोजिट फेस एड अप टू 7, यहाँ पे आपको डाइस दी गई है और नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, व्हाट इज दिस बॉक्स लाइक थिंग्स, ये जो बॉक्स दिया है वो किस तरीके से दिख रहा है स्टूडेंट्स? किस तरीके से दिख रहा है? ये एक डाइस तरीके से दिख रहा है। डाइस किस में खेलते हो स्टूडेंट्स आप? लूडो में खेलते हो ना, तो लूडो में हमें ये डाइस का यूज़ करते हैं, जब लूडो गेम खेलते हैं तो डाइस का यूज़ करते हैं। तो ये जो बॉक्स है वो किस तरीके से दिख रहा है? वो बॉक्स डाइस के तरीके से दिख रहा है, ओके। सेकेंड, विच नंबर विल बी ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ 5, हमारे ये जो नंबर्स दिए हैं स्टूडेंट्स डाइस के अंदर, तो 5 के अपोजिट कौन सा नंबर्स आएगा स्टूडेंट्स? सी, यहाँ पे 1 के ऊपर यहाँ पे 2 लिखा मैंने, 1 2, ओके। यहाँ पे सी देखो, 1 2 3 4 5 6 अपोजिट साइड्स में, ये 5 है तो 5 के अपोजिट साइड्स, ठीक है, उसका अपोजिट साइड क्या होगा? ये वाला। तो अपोजिट साइड्स में कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स? 2। सो वी राइट हियर आंसर विल बी 2। इन द थर्ड नंबर इन द पिक्चर्स विच नंबर विल बी एट द बॉटम,
तो बॉटम वाले नंबर, बॉटम मीन्स क्या होता है नीचे और अप मीन्स क्या होता है ऊपर, तो बॉटम में कौन सा नंबर दिख रहा है स्टूडेंट्स? बॉटम में आपको सिक्स नंबर दिखेगा, ये फोर है, फाइव है, फिर यहाँ पे सिक्स आएगा, तो बॉटम में कौन सा नंबर दिखेगा स्टूडेंट्स? सिक्स. ओके, फोर, विच नंबर विल गिबली सी इफ सी अगेन टर्न लेफ्ट फ्रॉम फाइव? कौन सा नंबर गिबली को दिखता है अगर वो लेफ्ट में, फाइव के लेफ्ट में टर्न हो जाती है? तो ये गिबली है स्टूडेंट, ठीक है, तो गिबली अगर टर्न हो जाती है लेफ्ट के फाइव में, तो ये टर्न हो गई, यहाँ से घूम गई, ये गिबली है, यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पे आ गई, ठीक है, तो ये फाइव से घूमते घूमते यहाँ पे आ गई, तो कौन सा नंबर उसे लेफ्ट में टर्न होगा? वन. ओके, फिफ्थ, व्हाट विल दिस बॉक्स लाइक लुक लाइक? ये बॉक्स आपको किस तरीके से दिख रहा है? इफ़ यू ओपन इट अप, अगर आप इसे ओपन करोगे अप में, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो आप अप में ओपन करोगे मीन्स उसको ऊपर से ओपन करोगे, तो किस तरीके से दिखेगा? ये इस तरीके से दिखेगा. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वन है, फिर थ्री है, ठीक है, तो ये वन है, थ्री है, फिर वन के नीचे फोर है, तो ये वन के नीचे फोर है ना, फिर फोर के नीचे टू है, तो ये इधर फोर के पास में इधर टू है और फोर के पास में इधर फाइव है, ठीक है, फिर फोर के नीचे सिक्स है, तो फोर के नीचे यहाँ पे सिक्स है. अब इसे अप की तरफ देखोगे यानी ऊपर से देखोगे तो ये उल्टा दिखेगा पूरा, ठीक है, इस तरीके से उल्टा दिखेगा. इसको आप टर्न कर दोगे तो ये अप में इस तरीके से दिखेगा, तो फिफ्थ नंबर का आएगा ए आंसर. टर्न योर पेज स्टूडेंट्स, पेज नंबर 70. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चंस एंड राइट इन ऑर्डर अल्फाबेट इन बॉक्स. आपको MCQs इसमें से चूज करना है, ठीक है. सी, क्वेश्चन नंबर वन, यहाँ पे आपको एक सर्कल दिया है, ठीक है, पार्क दिया है, पार्क दिया है, हाउस दिया है, गार्डन दिया है, स्कूल है, लाइब्रेरी है, टेम्पल्स है, और वो सभी चीज़ें एक दूसरे से कितने किलोमीटर्स दूरी पर है उसकी आपको यहाँ पे वैल्यू दिख रही है, ठीक है. सी, क्वेश्चन वन, मिहिर इज अ प्रैक्टिसिंग फॉर अ रेस, ही यूजेस अ गिवन मैप टू फाइंड द पॉसिबल राउट्स. मिहिर जो है रेस के लिए प्रैक्टिस कर रहा है और वो मैप का यूज़ करता है रूट्स को ढूंढने के लिए. द रूट्स मस्ट स्टार्टेड फ्रॉम ही स्कूल, और उसकी जो रूट्स जो है वो स्टार्ट होती है स्कूल से, ठीक है, तो मिहिर जो है रूट्स कहाँ से स्टार्ट करता है? स्कूल से. एंड एंड एट हाउस, स्कूल से स्टार्ट करता है और हाउस पे कंप्लीट करता है यानी एंड करता है. ही वांट टू रन द शॉर्टेड रूट, वो चाहता है कि सबसे छोटा वाला रूट्स वो पसंद करे और सबसे छोटे रूट्स पर वो रन करे यानी सबसे छोटे रूट्स पर वो दौड़े. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रूट्स, इसमें से कौन सा रूट्स होगा जो बेस्ट रूट्स होगा स्टूडेंट्स? चलो हम देखते हैं. ए यानी शॉर्टेस्ट रूट चाहिए उसको, मिहिर को शॉर्ट सबसे कम वाला रूट चाहिए, वो ही रूट्स वो चाहता है कि शॉर्टेस्ट रूट्स का यूज़ करके वो भागे, ठीक है, रन करे, तो वो जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट्स उससे चाहिए और जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट्स होगा वही उसका बेस्ट रूट होगा. ओके, तो यहाँ पे ए देखते हैं हम, ए में क्या है? स्कूल टू मार्केट, तो ये स्कूल है, स्कूल से मार्केट, तो ये स्कूल से मार्केट कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर, सो वी राइट हियर 3. अब मार्केट टू गार्डन, तो मार्केट टू गार्डन कितने किलोमीटर है? 2 किलोमीटर, सो वी राइट हियर 2. गार्डन से बैंक कितने किलोमीटर है? गार्डन टू बैंक 2 किलोमीटर, सो हमने लिखा यहाँ पे 2 किलोमीटर. अब बैंक टू हाउस कितने किलोमीटर स्टूडेंट्स? बैंक टू हाउस इज अ 3 किलोमीटर. अब इन सभी को ऐड करते हैं, 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7, 7 + 3 = 10 किलोमीटर, ठीक है, ये सबको ऐड किया तो 10 किलोमीटर आया. ओके, बी में देखते हैं, स्कूल टू लाइब्रेरी, अब स्कूल से लाइब्रेरी कितने किलोमीटर है? 5 किलोमीटर, सो वी राइट हियर 5. लाइब्रेरी टू टेम्पल्स, लाइब्रेरी से टेम्पल्स कितने किलोमीटर है? 3 किलोमीटर, सो वी राइट हियर 3.
टेम्पल टू हाउस कितना है? टेम्पल टू हाउस है 2 किलोमीटर, तो हमने लिखा 2 किलोमीटर्स। ठीक है, 5 + 3 = 8, 8 में 2 ऐड करोगे तो 10 किलोमीटर आएगा। ये सभी को ऐड कर देना है। ठीक है, अब सी नंबर देखते हैं, स्कूल टू लाइब्रेरी। अब स्कूल से लाइब्रेरी कितने किलोमीटर है स्टूडेंट्स? स्कूल है, ये लाइब्रेरी है, तो 5 किलोमीटर, तो हमने यहाँ पे लिखा 5। लाइब्रेरी टू मार्केट, अब लाइब्रेरी से मार्केट कितने किलोमीटर है? 2 किलोमीटर, तो हमने लिखा 2 किलोमीटर। मार्केट टू हाउस कितने किलोमीटर है? मार्केट टू हाउस इज अ 4 किलोमीटर, सो वी राइट हियर 4। ओके, तो 5 + 2 = 7, 7 + 4 = 11, तो ये टोटल हुआ हमारा 11 किलोमीटर। डी में देखो, स्कूल टू मार्केट, अब स्कूल टू मार्केट कितना है स्टूडेंट? 3 किलोमीटर, तो हमने यहाँ लिखा 3 किलोमीटर। ओके, अब मार्केट टू टेम्पल्स, तो मार्केट टू टेम्पल्स कितना है स्टूडेंट्स? ये है मार्केट, ये है टेम्पल्स, तो मार्केट टू टेम्पल्स 3 किलोमीटर, सो वी राइट हियर 3 किलोमीटर। टेम्पल टू हाउस, तो टेम्पल से हाउस कितने किलोमीटर है? 2 किलोमीटर, सो वी राइट हियर 2 किलोमीटर। ओके, आप सबको ऐड करो, 3 + 3 = 6, 6 में 2 ऐड करोगे तो 8 किलोमीटर। अब स्टूडेंट, सबसे शॉर्टेस्ट रूट इसमें कौन सा होगा? सबसे छोटा वाला रूट, यानी जिसकी वैल्यू कम होगी। ये 10 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 8 किलोमीटर, तो सबसे शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होगा? 8 किलोमीटर्स, डी नंबर का। और जो मिहिर है वो चाहता है कि सबसे शॉर्टेस्ट रूट पर वो रन करे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट रूट कौन सा होगा स्टूडेंट्स? 8 नंबर का, जो 8 किलोमीटर सबसे शॉर्टेस्ट है, सबसे कम है। ठीक है, आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वी ओपन द बॉक्स, जब हम इस बॉक्स को ओपन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पिक्चर्स, इसमें से कौन सा करेक्ट पिक्चर्स होगा? ठीक है, आगे हमने देखा था स्टूडेंट्स कौन सा करेक्ट पिक्चर्स था, यहाँ पे हमने देखा था 1, देखो पेज नंबर 69 पे 1, उसके ऊपर 3, 4, 6, 2, फिर यहाँ पे 5 था, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस तरीके से ये डाइस था। अगर हम उसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा, तो ये होगा हमारा ए नंबर का आंसर। आगे हमने जो किया है सेम वही आंसर यहाँ पे आएगा। ओके, सी एक्टिविटी 71 पेज नंबर, 71 पेज नंबर पे मैंने आपको 6 डेट में ये होमवर्क दिया था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क दिया था, आई होप आप लोग ने कंप्लीट किया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 72 पेज नंबर पर आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको इसी वर्क बुक में फाइंड करना है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपको इसमें ही करना है, इट इज़ योर एच डब्ल्यू वर्क। ओके, तो ये सारा कंप्लीट होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 तक आपकी वर्कबुक में। और मैंने आपको टेबल्स लर्न करने को दिए थे, आई होप आप लोग ने लर्न किए होंगे, नहीं लर्न किए होंगे तो अगेन आपको लर्न करना है टेबल्स। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है, मैं आपको इसके पिक सेंड करूँगी, आप उसमें से भी कॉपीराइट इसमें कर लोगे। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।